नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड चेन की। एक फूड चेन जो निसर्ग में होता है, इकोलॉजिकल फूड चेन, और एक फूड चेन जो इंसान बनाता है और इंसान जिसमें जीता है। जी हाँ, दो फूड चेन है, हम दोनों समझेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ प्रिंसिपल, एक कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को अपना नष्ट कर सकते हो ना बना सकते हो, ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। और ये पूरा फूड चेन जो है ये ऊर्जा के लिए ही है, ऊर्जा ताकि हम जिए, खाए, पिए, घूमे फिरे और सारा काम करें। सो इस धरती पर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है सूरज। सूरज की किरणों से एनर्जी मिलता है और ये एनर्जी को जो पकड़ के फूड बनाए, स्टोर करे या इस्तेमाल करना जाने, वो है प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, जो होते हैं हमारे पेड़ पौधे, हरियाली। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, सूरज की किरणों से, जमीन से सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हुए, पानी और हवा को इस्तेमाल करते हुए खाना और एनर्जी बनाते हैं, स्टोर करते हैं। सो ये प्रोड्यूसर्स, उत्पादक का जो पोषी स्तर है, इसके बाद का जो पोषी स्तर है, जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, वो है प्राइमरी कंज्यूमर्स का, प्राथमिक उपभोक्ता, और ये ज्यादातर हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी। अब एनर्जी ट्रांसफर का एक रूल है कि एनर्जी जब भी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ट्रांसफर होता है तो सिर्फ 10% ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो जो जीव है अपनी जीवनी जीने के लिए भी तो एनर्जी इस्तेमाल कर ही रहे हैं ना, तो वो सिर्फ 10% स्टोर कर पाते हैं और ट्रांसफर होता है। ये एक थंब रूल है। सो हमारे समझ के लिए अगर समझे कि सूरज की किरणों से 100,000 किलो कैलोरी एनर्जी का यूनिट है, अगर 100,000 किलो कैलोरी एनर्जी ट्रांसफर हुआ, तो ये जो प्लांट्स हैं, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो उत्पादक है, ये इसका सिर्फ 10% लेके एनर्जी स्टोर कर पाते हैं। 100,000 का 10% 10,000 किलो कैलोरी। और ये जो शाकाहारी है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ये उसका भी 10% लेते हैं सिर्फ, इन्हें 10,000 का सिर्फ 1,000। और वैसे ही ये प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर शायद वो एक टर्शियरी कंज्यूमर, फिर उसके ऊपर होते हैं एपेक्स प्रेडेटर। यानी हम यहां पर 5 लेवल का पोषी स्तर बता रहे हैं। और एनर्जी ट्रांसफर वैसे ही होगा, ये 1,000 का 100, 100 का 10, 10 का 1। यानी जहां 100,000 किलो कैलोरी सूरज ने दिया, वहां एपेक्स प्रेडेटर तक सिर्फ 1 किलो कैलोरी आया। ये है एनर्जी का फ्लो। तो चूंकि एनर्जी ट्रांसफर ही 10% होता है, ये बहुत ही लॉजिकल है कि हर स्तर जैसे हम ऊपर जाते हैं, ये स्तर छोटा होते जाएगा, क्योंकि खाना सिर्फ 10% ही मिल रहा है। इसलिए हर स्तर जैसे हम ऊपर जाते हैं, गिनती और बायोमास भी कम होते रहता है। सो ये है एक इकोलॉजिकल फूड चेन, परिस्थितिक खाद्य श्रृंखला। और ये लॉजिकल है कि हर क्षेत्र में अलग अलग फूड चेन डेवलप्स होते हैं। जैसे समंदर में अलग होगा, नदी में अलग होगा, रेगिस्तान में अलग होगा, बर्फीले जगहों में अलग होगा, पहाड़ों में अलग होगा और खलियानों में अलग होगा। हर जगह पे अलग फूड चेन डेवलप होता है। ये पूरा फूड चेन जो है, ये एक दूसरे पे बहुत ही डिपेंडेंट होते हैं। सो ये इकोलॉजिकल फूड चेन को जरा ठीक से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं जंगल के फूड चेन का। अब जंगल के फूड चेन में जो एपेक्स प्रेडेटर होगा, जो सर्वोत्तम शिकारी होगा, वो होगा एक शेर। और ये शेर समझे मार के खाता है भालुओं को, और ये भालू खाते हैं लोमड़ी सियार को, और ये लोमड़ी सियार खाते हैं खरगोश और खरगोश जैसे प्राणियों को, और ये खरगोश जो है ये तो शाकाहारी है, ये तो वनस्पति खाते हैं वहां पर, और वनस्पति अपना एनर्जी बनाता है सूरज से। अगर समझें कि ये जंगल में जो ये 2-3 शेर हैं, ये 2-3 शेर मर गए, तो क्या होगा? शेर भालुओं का शिकार नहीं कर रहा तो भालू बढ़ जाएंगे बहुत, और भालू बहुत बढ़ जाएंगे तो भालू सारे लोमड़ियों को खा जाएंगे, लोमड़ी लुप्त हो जाएगा, लोमड़ी लुप्त हो गया तो ये खरगोश की बहुत तादाद बढ़ जाएगी, और ये पूरा वनस्पति खा जाएंगे, वनस्पति कम हो जाएगा, वनस्पति कम हो गया, खरगोश को खाना नहीं है, खरगोश मर जाएंगे। सो इस तरह से ये सब एक दूसरे पे इतना निर्भर है कि थोड़ा सा भी इम्बैलेंस पूरा हिला देता है। ये सब एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। ये पूरे इकोलॉजिकल फूड चेन में हर जगह पे फैले हुए हैं डीकम्पोजर्स, उपघटक। जो भी प्राणी मरता है उसको डीकम्पोज करके वापस जमीन में, सॉइल में मिला देते हैं। सो ये जो फूड चेन में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल जो है, इसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये हमेशा शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोर। पर इसके ऊपर की जो कंज्यूमर्स हैं, ये शायद मांसाहारी हो, शायद कार्निवोर हो, या शायद हो सकते हैं ओमनिवोर हो, सर्वाहारी भी हो।
और ये जरूरी भी नहीं है कि जो थर्ड लेवल का है वो सेकंड लेवल ही खाए, सेकंड लेवल वाला फर्स्ट लेवल ही खाए। जो ऊपर के लेवल के हैं वो नीचे के लेवल भी खा सकते हैं। हो सकता है कि जो एपेक्स प्रेडेटर जो है ये सारे लेवल में खाता है और ये शार्क भी खा लेता है कभी कभार। सो ऊपर का लेवल हमेशा नीचे के लेवल को खाता है, इसलिए एनर्जी फ्लो भी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है फूड चेन में, यूनिडायरेक्शनल, एक ही तरफ। और इंसान जो है लाखों साल पहले ऐसे किसी फूड चेन का हिस्सा था। हम यहां सेकेंडरी कंज्यूमर की जगह पे आते थे और हम सर्वहारी थे। सो हम ऐसे ये हर्बीवोर जो है हमारे नीचे प्राइमरी कंज्यूमर्स उनको मार के खाते थे या सीधा हर्ब खाते थे, शाक खाते थे। सो इंसान यहां पर था। लेकिन जैसे समय के साथ इंसान की सोच बढ़ी, अक्ल बढ़ी, हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ा, हम एक दूसरे के साथ बातचीत कम्युनिकेट करने लगे, हमने जाना कि हमारी एकता में ताकत है। हम जंगली कुत्तों की तरह मिलके अपने औजारों से किसी का भी शिकार कर सकते हैं। सो जो थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, जो एपेक्स प्रेडेटर, जितने भी लेवल थे जिससे हमें डर था, जो हमें मार सकते थे, हमने उन सबको साफ कर दिया, कोई नहीं बचा। अब सिर्फ इंसान ही इंसान था सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेवल पे। और ऐसे शुरू हुआ इंसानों का फूड चेन, हमारा बनाया, जो हम पे निर्भर करता है, जिसको हम तय करते हैं। इकोलॉजी, पर्यावरण से अब हमारा कोई लेना देना नहीं रहा। ऊपर हमने सब कुछ साफ कर दिया, नीचे जो प्राणी थे जिनको हम खाते थे, जिनकी हमें जरूरत थी, हमने उनकी खेती करना शुरू कर दिया। जैसे सिर्फ गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, गधा, इन सबको रखते थे हम। बाकी दूसरे जो जानवर है जो हमारे काम के नहीं है, शाकाहारी, उन सबको मार दो, खत्म कर दो, कम से कम कर दो। कॉम्पिटिशन ना रहे, सिर्फ वही जानवर रहे जिसकी हमें जरूरत है। सो इंसान और इंसान के पाले हुए जानवर, और फिर इन जानवरों को खिलाने के लिए उसने जंगले साफ करना शुरू किया, क्योंकि जंगल में तो ये बड़े बड़े पेड़ हैं, ये इतने मस्त मस्त है, इनसे क्या करना है। हमें तो साफ जमीन चाहिए खेती के लिए, जहां हम अनाज उगाए जो इन जानवरों को खिलाए, ताकि ये जानवर जल्दी से बढ़े और हम जल्दी से इसको खाएं। सो हमने जंगल साफ करना शुरू कर दिया। सो हमने ये प्राइमरी कंज्यूमर जो है इनको तहस नहस किया, फिर इसके नीचे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ये हरियाली है, उसको भी तहस नहस कर दिया। और ऐसे खड़ा हुआ इंसान का बनाया फूड चेन, जहां कोई नहीं है, सिर्फ इंसान ही है, इंसान की जरूरत है, इंसान का भूख है, और आसपास पूरा तहस नहस। कहते हैं कि अगर दुनिया में 1000 प्रजाति थी, इंसान ने 900 प्रजाति साफ कर दी है, सिर्फ 100 प्रजाति बचा है। उसमें से भी जो इंसान के काम के हैं वो करोड़ों में हैं, और बाकी सारे बस थोड़े से छुटपुट यहां वहां बच गए। जानवर सिर्फ अपने प्राइम में मस्त जी पाते हैं, अगर वो बीमार हो, असहाय हो, बूढ़े हो, तो वो ठीक से जी नहीं पाते, तड़प तड़प के मर जाते हैं। लेकिन हम इंसान बूढ़े हो, बच्चे हो, बीमार हो, कैसे भी हो, हम पूरा जीते हैं और आखिरी तक जीते हैं, इसलिए निसर्ग पे उतना बोझ। सो अब दुनिया में ये प्राकृतिक फूड चेन जो है ये बस उन्हीं कोनों में है जहां इंसान नहीं है। और सबसे दुख की बात यह है कि इंसान आज हर जगह पर है। इंसान का स्वार्थ इतना बढ़ गया, हमारी चाहत इतनी बढ़ गई, हमारी लालच इतनी बढ़ गई कि हम चाहते थे कि ये जानवर जिसको हम खा रहे हैं, ये जो शाकाहारी जानवर जिसको हम खाते हैं, ये जल्दी से जल्दी बढ़े। सो हमने इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया, ताकि एक मुर्गी जो 4-5 साल में बढ़ती है, ये 45 दिन में बढ़ जाए। सुअर भी जल्दी से बढ़े, गाय भी जल्दी से ज्यादा दूध दे। इंसान ने इन सबको जेनेटिकली मॉडिफाई किया, कुत्तों की ऐसी ऐसी नस्ल हमने तैयार की जो पहले थी नहीं। अब ये सब हमारे खिलौने, हमारे खाने। याद है ना आपको वो एनर्जी ट्रांसफर, कैसे हर पोषी स्तर से दूसरे स्तर पे सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। अब इंसान को जब ये जानवर जिनको मार के खाता है एनर्जी मिलता है, तो सिर्फ 10% ही आएगा। इन जानवरों को उससे कहीं ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, इसके लिए हमें उतने ज्यादा उतने अनाज उगाने पड़ते हैं, और सादा घास फूस नहीं चलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जानवर जल्दी से बढ़े। हमने इनको वैसे भी जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है। इनका ही नहीं, हम पेड़ पौधे जो मिट्टी में जो हम बीज बोते हैं, उसको भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, ताकि जल्द से जल्द बढ़े, ज्यादा उत्पादन हो, हम ज्यादा पैसे कमा पाए। और हम जमीन का, मिट्टी का ख्याल नहीं रखते, इसलिए कुछ ही सालों में वो बंजर हो जाती है, बेकार हो जाता है। तो ये अगर आप पिक्चर देखेंगे और थोड़ा सा भी इमेजिन करेंगे, तो आप जानेंगे कि 8 अरब इंसान हर साल का 80 अरब जानवर उगा के मार के खाता है।
और इस 80 अरब जानवर जिसको वो उगा के मार के खाता है, उनके लिए कितने सारे अनाज उगाता है, कितने सारे। दुनिया में जितना अनाज उगता है उसका 80% इन जानवरों को खिलाया जाता है, इंसान सिर्फ 20% खाता है अनाज जो उगाता है। और ये अनाज उगाने के लिए हम जंगलें साफ करते हैं, और हम जो जंगल साफ करके जहां अनाज उगाते हैं कुछ ही साल में वो जमीन बंजर कर देते हैं, हम नष्ट कर देते हैं, फिर दूसरा नया जंगल साफ करते हैं। सो ये जो जानवर हम खा रहे हैं अपने लालच और स्वार्थ में, इसको आप प्लीज फूड चेन का नाम न दें, क्योंकि आपको लगता है कि अभी भी वो नेचुरल फूड चेन जो जंगल में होता है वैसे कुछ चालू है। वो तो सब बर्बाद कर दिया इंसान ने, अब सिर्फ 3 लेयर है। प्रोड्यूसर्स, ये हर्बीवोर जानवर जिसको हम खाते हैं, और इंसान। अगर इंसान के बनाए इस मॉडर्न फूड चेन से अगर हम इस पोषी स्तर, इन जानवरों के स्तर को ही निकाल दें जिसको हम वैसे भी अपने लालच के लिए ही खाते हैं, तो हम ये जो अनाज उगा रहे हैं इसका 25-30% ही हमारे लिए बहुत है। 70-75% जो हम उगाते हैं उसको उगाने की जरूरत नहीं। उतना पानी बचेगा, जंगल बचेगा, उतनी जमीन फ्री हो जाएगी, दूसरे अन्य जीवन प्राणी सब बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। इंसान का बनाया फूड चेन सिर्फ विनाश ही कर रहा है।